आनंद कहां मिलता है? तो कहा सच्चिदानंद आनंदम। जब तक भगवान में नहीं प्रवेश करोगे तब तक आनंद को खोजते रहो, पर मिलने वाला नहीं है। रात को था सुबह नहीं रहता तुम्हारा आनंद। क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं आनंद। आनंद का अनुभव था, अनुभूति आनंद नहीं था। देखिए, पहली बार आप दांत से जलेबी को तोड़िए, अलग सुख देती है। धीरे धीरे करके पूरी जलेबी खा जाइए, सुख कम होता जाता है उसका। पहली बार चम्मच से खीर खाओ, अलग सुख देगी। और खीर में जितने भी पदार्थ डाले हैं वो सब एक ही चम्मच में जीभ को स्वाद दे देते महाराज। पर बाद में जब दूसरी चम्मच जाती है तो खीर में से स्वाद गायब होने लगते हैं एक एक करके। पहली चम्मच जब मुंह में जा रही थी तो अलग से केसर का, इलायची का, इसका, उसका, सबका स्वाद आ रहा था जीव को। एक बार जीव ने स्वाद ले लिया तो दूसरी चम्मच में स्वाद कम हो गया, तीसरी में और कम, चौथी में और कम, और बाद में तो खाली कटोरी खाली करनी है, ये बोझ हो जाता खाने वाले पे, स्वाद रहता नहीं है। ऐसे ही जिंदगी की शुरुआत है। संसार में जिस चीज को सुख के लिए पकड़ो वही दुख के लिए खड़ी हो जाती है सामने। कोई भी चीज सुख फ्री में नहीं देगी दुनिया में। आप पत्नी से झगड़ा कर लो फिर देखो आशा करके सुख की, देखो तो सही झगड़ा करके फिर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, इतना सुखेगा कि आज तुम्हें कहीं ना कहीं रोटी होटल पे ही तलाश करनी पड़ेगी। बाकी सुख तो गए पानी लेने के लिए, रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे प्यारे। इसीलिए जो भी सुख एक दूसरे से भी आशा में है वो भी प्यार की वजह से, वैचारिक समाधान है तो सुख है एक दूसरे में। जब तक विचार समाधान नहीं करते पति पत्नी के तब तक उनकी लाइफ में सुख आपस में मिलते नहीं आ रहा, और वो भी आदान प्रदान का सुख है दुनिया में। कुछ पति कुर्बानियां देता है तो कुछ पत्नियां देती हैं तो सुख थोड़ा बहुत चलता रहता है। ऐसे मां बाप का सुख है, कुछ मां बाप कुर्बानी देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, थोड़ा बहुत, पूरा पूरा कुछ नहीं। क्योंकि चाहे श्रवण कुमार के भी फूफक पैदा हो जाओ फिर भी पूरा कोई किसी का नहीं सुनता, जितना भी आज्ञाकारी हो बच्चा पूरा नहीं सुनेगा, अपनी बुद्धि अपने विवेक से भी बहुत सारे काम करेगा। जिसमें पिताजी की कोई बात होगी उसे टाल के बोलेगा, नहीं पिताजी ये ठीक है, पिताजी भी कहते हैं ठीक है भाई, ये भी ठीक है तो ये भी करो। समाधान आदमी खुद कर लेता है, पर इस दुनिया में पूरा समाधान एक दूसरे से नहीं मिलता। समाधान पूरा कब मिलेगा? जब जीव समाधि में चला जाता है तब समाधान पूरा पूरा हो जाता है उसका। देख लीजिए मरे हुए आदमी को आप कितनी भयंकर अग्नि में डाल देते हैं फिर भी न वो चिल्लाता है, न वो रोता है, न वो तड़पता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समाधि में जा चुका है, और उसी को समाधि भी कहते हैं। समाधि महात्मा साधुओं को जमीन में दबाते हैं ना तो उसका नाम हो जाता है कोई महात्मा को जमीन में, जैसे हमारे और मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई, वो जमीन में तो वो क्या करते हैं? दफन, समाधि। महापुरुषों को समाधि मानी जाती है वो जमीन में दबाना, और जिन्हें संसार में पुनः आना है उन्हें दफन कहते हैं। जन्म सुतान कर्म भूतम, जो भगवान में मिल गए वो समाधि में, और जो संसार में आएंगे वो दफन हो गए, और जो दफन होते हैं उन पे कफन होता है, समाधि में जो जाते हैं उन पे कफन होता नहीं है। और जो समाधि में जाते हैं वो बैठते हैं, और जो दफन में जाते हैं बैठते हैं। अब आप बैठना है कि लेटना है वो समझो। बैठे रहे तब तक कोई रोता लेट गए तो चूड़ियां छाती पे फूटे, फिर दोनों हाथ लाके बीवी ऐसे फोड़े, दोनों हाथ लाके छाती पे
पर बीवी को मालूम है चूड़ियों के टुकड़े कितने भी मेरे पति की आंख में चले जाए फूटेगी नहीं, क्योंकि वो तो मरा पड़ा है। इसीलिए उधर ही सब प्रैक्टिकल कर ले, दुख की घड़ी है, मजा करने जैसा ठीक नहीं है। पर सच्चाई तो वहां पर महाराज ने कह ही दी, महाराज जिंदे पे क्यों ना फोड़े कोई छाती पे चूड़ी। क्या मतलब है चूड़ी का जीवन से, पति से? कोई तो संबंध होगा, संबंध है केवल सामाजिक संबंध है, शास्त्र का कोई संबंध नहीं है चूड़ियों का पति से। समाज की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए ये सत्कर्म किए जाते हैं। केवल कुछ समाज में है, यह सारी दुनिया में यह परंपरा नहीं है। थोड़े से माहौल में, थोड़े से लोग हैं ऐसी परंपरा में, बाकी दुनिया में और कई समाज है, धर्म है, कई लोग पार्टी बना के, उनमें सब में नहीं होता ये, क्योंकि शास्त्र नहीं है, और शास्त्र नहीं है तो वो सर्वसत्ता नहीं होता। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दिया और कह दिया दो शब्दों में, ये तीनों चीज अनादि अनंत हैं, इनका विनाश नहीं है, संसार परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा में आनंद की कमी है, परमात्मा अपरिवर्तनीय अनित्य है और उसमें आनंद भरा हुआ है। इसीलिए आत्मा परमात्मा जैसा ही है पर आनंद के अभाव में, आत्मा बार बार विचलित होता है, बेचैन और क्लेश में पड़ता है और कभी कभी भोगों में भी शरीर के साथ लिप्त हो जाता है। इसीलिए हे भाई बहनों, हम और आप सब आत्मा हैं, जब ज्ञान भागवत से मिल रहा है तो कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी अलप्त हो जाएं। व्याप्तम योग निरुक्त भावम, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल दूर चले जाइए, अलप्त हो जाइए। अलप्त होने से क्या होता है, भोग में सुख आता है, जो चीज तुम्हें पसंद है उसे भोगो, जिसमें से रस है स्वाद मिलता है उसे भोगो। पर परसों हमने कहा था उसके प्रति त्याग का पहले भाव तैयार करो, जिसे त्यागने की क्षमता हो तो ही भोग करो, अगर त्यागने की क्षमता नहीं है तो भोग भी नहीं करना चाहिए, क्यों फिर भोग रोग बन जाता है। अगर त्याग नहीं रहा तो रोग में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और जीवन जरा में चला जाएगा, बुढ़ापे में चला जाएगा, दुख में चले जाएगा, क्लेश में चला जाएगा। और ये मानव का शरीर इस तरह लिए नहीं मिला है कि हम दुख में जाएं, क्लेश में जाएं, हम उत्थान के लिए आए हैं, परिवर्तन के लिए आए हैं, निर्वाण के लिए आए हैं और अपने मंजिल को, अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए आए हैं। तत्त्वं धर्मो सिद्धीनां ब्रह्मचेतसाम यथा, 84 लाख योनियों में से एक ही योनि मानव का शरीर है ऐसा, जिसमें केवल एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है प्रभु में मिलन करना। जो नदियां समुद्र में जाके नहीं मिलती उनकी पूजा भी नहीं होती, बारिश की नदियों की पूजा नहीं होती है, हैं? आपने कभी बारिश में जो बहने वाला नाला उसकी जय बोली है कभी आपने, फलाने नाले की जय? क्यों नहीं बोला बताओ, क्योंकि उसका अस्तित्व जो है ऐसा नहीं है। और जिन नदियों का अस्तित्व ऐसा है जो हिमालय से गुजरती हैं और समुद्र में जाके मिलती हैं, बीच में नहीं सूखती और रुकती, उनकी जय जयकार होती है। हाँ, और उनकी जय जयकार ही नहीं, उनके प्रति आदमी का ऐसी मान्यता है कि उन नदियों की पूजा और स्नान से हमारे सारे दुख दर्द पाप ही खत्म हो जाते हैं। जिन्हें समुद्र में मिलने की आदत है, चाहे बीच में कोई कितनी भी चोरी कर लो गंगा के पानी की, फिर भी वो समुद्र से पहले थमता नहीं है। हाँ, इसीलिए एक श्लोक बोलते हैं सब लोग मिलकर, न बोले तो सुन लेना, परोपकाराय बहंत नद्याम परोपकाराय फलंत वृक्ष परोपकाराय दुहाव गाव परोपकाराय साधु शरीरम
जैसे नदी गाय और वृक्ष भी दूसरों के सुख के लिए खड़े और बह रहे हैं, वैसे मानव का शरीर भी दूसरों के सुख के लिए ही जन्म लेके आया है। पर यहां तो अपने अपनी पढ़िए, सबको अपनी अपनी। दुर्भाग्य से कोई भाई गरीब है, कोई अमीर है, तो अपनी अपनी पड़ी है। एक भाई कितना पीछे रह गया, कुछ लेना देना नहीं है। जो आगे चला गया वो आगे ही भाग रहा है, एक पीछे पड़ा है तो वो पीछे ही लटक रहा है। क्यों? यहां सब अपने लिए ही जीने मरने के लिए आए हैं। पर शास्त्र कहता है परोपकाराय मानव शरीरम, परोपकाराय इदम शरीरम। इदम माने यह शरीर भी परोपकार के लिए ही आया है। इसीलिए वेद प्रमाण है पुरोहितम तत् उत्तिष्ठ कर्मम। हे पुरोहित, खड़ा हो जा और कर्म कर। कौन से कर्म कर? नौकरी कर, व्यापार कर, पैसा कमा, बैंक में जमा कर, बच्चों के लिए छोड़ के चले जा। तो भागवत कहती है ये काम तो गिद्ध का बच्चा भी करता है और बिल्ली का बच्चा भी। हाँ, बिल्ली को देख लो, अपने बच्चों के लिए कहीं से भी भोजन लाएगी, पर लाएगी। कौवा जिसे कोई पसंद नहीं करता वो भी भोजन लाता अपने बच्चों के लिए, घोंसला भी बनाता है। तुम क्या कर रहे हो फिर? अच्छा काम, घर बनाना, बंगला बनाना, बच्चों के लिए खिलाना पिलाना, बस ये तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ी सब कर रहे हैं। कुछ तो अलग करो, है कमाना खाना घूमना घुमाना। हाँ, कुछ तो अलग करो। क्या अलग करें? भैंस से अलग क्या है तुम्हारे पास? कौवे से अलग क्या है? कौवे के पास में सब कुछ तुम्हारे जैसा है, पर तुम्हारे जैसा हाथ। भैंस के पास में सब कुछ तुम्हारे जैसा है, पर तुम्हारे जैसा हाथ। तो सब कुछ तुम्हारे जैसा है। भैंस भी शादी करती है, बच्चे करती है, संसार करती है, त्याग करती है, खाती है, देती है, लेती है। तुम क्या क्या करते हो अलग? अगर वही भैंस वाला ही काम करते हो तो फिर क्यों परेशान हो भैंस बनने के लिए? अगर उसी तरह जीवन जीना है तो भागवत का ये आशीर्वाद है कि अगले जन्म में भैंस बनने में कोई भगवान चूक करने वाले नहीं। हाँ, भैंस बन के फायदा बहुत है। भैंस बन के फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि कितना भी गंदा पानी पी लो स्टोन नहीं होता किडनी में। हैं? हाँ, और कितने भी गंदे गड्ढे में नहा लो खुजली नहीं होती। भैंस को साफ पानी नहीं चलता है, उसको गंदा गड्ढा होना, मटमैला पानी होना, उसको कीड़े मकोड़े वाला होना। और तुम्हें नगर पालिका वाला भी नहीं चल रहा आजकल, सबके किचन में लटक रहा फिल्टर का पानी, तो भी बीमारी खाई जा रही है, तो भी तकलीफें खाई जा रही है। सब जगह अभियान चल गया, पानी शुद्ध पियो, पानी शुद्ध पियो, पानी शुद्ध पियो। अब ये बताओ, जो मछली पानी में रहती है वो कौन सा पानी पी रही है? जो मछली पानी में रहती है वो कौन सा पानी पी रही है? फिल्टर का। और उस मछली को पानी से बाहर कर दो, फट से मर जावे, वो कौन सा पानी पी रही है? अच्छा बताओ, तुम्हारे दादाजी कौन सा पानी पी के जवान हुए? देख लो। इसीलिए जिनको यत्र तत्र सर्वत्र, जिनको बहुत जगह यात्रा करनी रहती है प्रकृति की, उनको जरूर पानी और भोजन का ध्यान रखना है उस तरह का कि वो एक जैसा पानी पी है, नहीं तो अस्वस्थ हो जाता है शरीर। पर जिनको उसी घर में जन्म लिया, उसी घर में बूढ़े होना है, मरना है, फिर कहां परेशान हो रहे हो? कितने सारे फायदे तुम्हारी लाइफ के। भैंस चाहे जितनी भी महान हो, जितनी अच्छी हो, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी अच्छी भैंस है पर तुमसे अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी गाय है तुमसे अच्छी नहीं है। क्यों? वो भी तुम्हारे अधीन बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई मनुष्य आएगा तब ही मुझे भोजन खिलाएगा, पानी पिलाएगा और मेरा इस कचड़े से मुक्ति करवाएगा। तुम्हारे अधीन, सारे जंगल का शेर राजा भी तुम्हारे अधीन, हाथी भी तुम्हारे अधीन, सबको डस लेने वाला, मृत्यु देने वाला कोबरा सांप भी तुम्हारे अधीन। बोलो, जो अपनी बीवियों को नचा नहीं पाते अपने इशारे पर, ऐसा ही एक आदमी सांप को नचा देता है।
देख लो, औलाद नहीं सुन रही है पर बीन सुन रहा है और सांप सुन रहा है। एक आदमी हाथ में संतर लेकर के शेर को नचा रहा है सर्कस में। सारी दुनिया जिस शेर से घबरा रही है वो शेर आदमी की गुलामी कर रहा है, सलूट मार रहा है, प्रणाम कर रहा है। क्यों? ये तो आदमी के अंदर हुनर होते हैं, सारे हुनर तुम्हारे अंदर हैं, मनुष्य के अंदर हैं। क्यों? ये टेलीविजन किसने बनाया? मनुष्य ने। मोबाइल किसने बनाया? मनुष्य ने। दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। कहां से आ रहा है ये ज्ञान? ये ज्ञान कहां से आ रहा है? तो वेद कहता है यदंतरम तदवयम वेदा अमृतनाभीनाम। दुनिया में ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है वो मनुष्य की नाभि में होता है। मनुष्य चाहे जितने सॉफ्टवेयर बना सकता है। आप मुझे सब महिलाएं एक बात का जवाब दे दो, आलू से बटाटे से इतने सारे आइटम बनते हैं ये तुमने कहां से सीखा? कहां से सीखा मतलब एक दूसरे से ही सीखा होगा। बेटी ने मौसी से सीखा, मौसी ने अपनी मां से सीखा, मां ने दादी से सीखा, किसी ने बुआ से सीखा। कुल मिलाकर यह है कि आलू इस तरह का समाज में प्रयोग करता है, बटाटे से ऐसी अस्थि वस्तु बनती है। ये सारा ज्ञान शास्त्रों का नहीं है, ये ज्ञान जो है आदमी की खुद की विचारधारा और बुद्धि का है। सब बुद्धि में बसाया हुआ है। संसार में आदमी ने कई चीजों को कई बार कर लिया, उसी से वो प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। सारा ज्ञान मनुष्य की नाभि, सब कुछ मनुष्य में समाया हुआ है। क्या क्या समाया हुआ है मनुष्य में बताओ? आप बताइए, आपको जब दर्द होता है गोली जब हम लेते हैं तो वो दर्द कहां पे होता है महाराज? या तो घुटने में होता है, या तो पेट में होता है, या तो कमर में होता है, नहीं तो माथे में होता है, नहीं तो हाथ पैर कमर दर्द सब में होता है, पर कुल मिलाकर होता शरीर में ही है। बोलिए बोलिए, भूख कहां होती है? शरीर में। प्यास कहां होती है? शरीर में। जंतु कहां होते हैं? शरीर में। बच्चे कहां होते हैं? शरीर में। गालियां कहां होती हैं? शरीर में। ये प्रवचन कहां से निकल रहा है? तो फिर भगवान कहां है? हैं जी, भगवान को तुमने चार दीवारी में बंद कर दिया है पत्थरों के अंदर, पर भागवत मानती नहीं इस बात को, तुम्हारी करतूत को। भागवत कहती है चाहे जितने महंगे मार्बल लगा ले पर भगवान वहां पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, क्यों? सर्वत्र मूलम तत्व भावम, जिस धरती पर तू मार्बल के पत्थर के मंदिर बना रहा है, बिना पत्थर बिना मार्बल के भगवान पहले से ही कण कण में समाया हुआ है। उस धरती में तुझे मूर्ति रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती स्वयं ही नारायण का ही रूप है, इसीलिए अलग से नारायण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ, भगवान में भी नया भगवान बना रहे, धरती माता कौन है? सारा जगत धरती से बन रहा है और तुम भगवान बना रहे हो, कितनी बेवकूफी का काम है। इसीलिए भगवान कौन बनाए, कहां बनाए, नहीं बना सकते ना। इसीलिए राजा परीक्षित को बोध करवाया संसार का, हे राजन अब हम तुम्हें तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न? तत्वभूतम न प्रिया संसार गतम, संसार में परमात्मा ने जब रचना की तो हे गुरुदेव मेरी समाधान शंका यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे पहले क्या चीज भगवान ने बनाई। मनुष्य को बनाया, नारी बनाई कि नर बनाया, घोड़ी बनाई कि घोड़ा बनाया, मुर्गी बनाई कि मुर्गा बनाया, अंडा बनाया कि मुर्गी बनाई। अब तो दुनिया भर के सवाल छोरे ने कर दिए गुरुजी से, अब इनका उत्तर दे तो दे कैसे कोई, बताइए कैसे उत्तर देवे। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं, दुनिया में पति पत्नी दो होते हैं, उनके बच्चे भी आजकल दो होते हैं, एक लड़की एक लड़का। ये लड़की कहां से आई, लड़का कहां से आया? फिर पति वही है, पत्नी वही है, बाप वही है, मां वही है। पहले उसने पुत्री को जन्म दिया, दो साल के बाद में फिर पुत्र को जन्म दिया, पर ये आया कहां से पुत्र?
अगर पुत्र आया है तो पुत्री कहां से आई। कहने का मतलब यह है लड़की और लड़का दोनों ही पिता के शरीर में समाये हुए थे, पर बिना प्रयोग के उनका दर्शन होने वाला नहीं था। जब प्रयोग किया, सृष्टि का नियम पालन किया और अपने आप जब संयोग दोनों का मंथन किया गया तो नर और नारी दोनों एक ही नारायण में से प्रकट हो जाते हैं महाराज। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि को रचने वाला प्रभु जो है, ये सारी सृष्टि को रचते समय सबसे पहले इसका वास्तु बनाता है। नियोजन रेखाएं परमात्मा बनाता है, फिर भगवान सबकी तकदीर लिखता है, तकदीर के साथ भगवान सबके निर्माण करता है, शरीर को सुख साधन देने के लिए सृष्टि की अनंत रचनाएं करता है, 84 लाख योनियों के शरीरों का वाधन करता है, कर्म अनुसार कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर ये सब प्रभु अपने अपने लेखन अपने अपने कर्म से ही ये रच रहा है। जैसे आप एक ही नंदुरबार में देख लो, कहीं झोपड़ी है, कहीं 2 कमरे का घर है, कहीं 1 कमरे का ही घर है, कहीं पे 3 मंजिल का है, कहीं पे करोड़ का है, कहीं पे 10,000 का है, कहीं कैसा है, सब लोग घरों में रह रहे हैं पर घर सबके अलग अलग हैं। जैसी जिसकी भाग्य विधाता ने लिखी लेखनी वैसा ही सबका संसार है। ऐसे ही प्रभु संसार को रचते, जैसा जिसके स्टार में भाग्य में है वैसे प्रभु प्रवृत्त करते हैं। पर पहले क्या आता है संसार में, तो पहले संसार में जन्म होता है किस चीज का, तो अमेथुनम तत्व योगम, पहले अमेथुनी सृष्टि का जन्म हुआ, फिर मैथुन की सृष्टि आई। जो अमेथुन की सृष्टि है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आए जो कभी नहीं मरने वाले, और फिर मैथुन की सृष्टि के लिए जिसमें जन्म और मरण दोनों आए। जहां पर मैथुन होता है, जहां पर मिलन होता है, नर मादा का संयोग होता है, फिर सृष्टि बनती है, पुत्र पुत्रियां बनती हैं, नर मादाएं पैदा होती हैं, 3 लिंग रूप शरीर धारण करते हैं, फिर जन्म और मरण ये दोनों ही चक्र चालू हो जाते हैं। इसीलिए आपका भाग्य हो मेरा भाग्य हो, हम इतने वैरागी इतने तपस्वी बने कि जब भी सृष्टि द्वारा होगी तब हम अमैथुनी सृष्टि में अवतार लेके आने चाहिए। मैथुन की सृष्टि में आएंगे तो फिर मरने का दुख सताएगा, उससे छुटकारा होएगा नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि मरने के भय से सब परेशान रहते हैं, दुख से सबको प्रभाव पड़ता है, बीमारियों से सब प्रभावित होते हैं, पर अमैथुनी सृष्टि में किसी को रोग धोग व्याधि नहीं आते। क्यों? हमें तुनी सृष्टि में पैदा होने के लिए मम्मी पापा नहीं लगते महाराज। मम्मी पापा नहीं होते तब, जो पापा होता है वही मम्मी होती है, जो मम्मी होती है वही पापा होता है, उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। इसीलिए हिंदी में भगवान का जाप करती है सारी दुनिया, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये अमैथुनी सृष्टि के भगवान है। और मैथुन की सृष्टि में भगवान सीता राम बन के आते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन के नहीं आते वो सीता, ये अमैथुनी सृष्टि है। लव कुश का नहीं दुनिया में कहां गए, भगवान के पुत्रों का भी दुनिया में पता नहीं है। अमैथुनी सृष्टि में जो आएगा धीरे धीरे वो लापता हो जाए। हां जी, ब्रह्मा लापता हुआ नहीं अभी तक, विष्णु लापता नहीं हुआ, शिवजी लापता नहीं हुआ, दुनिया भर के रूप ले लिए विष्णु ने, पर लापता होता नहीं। राम आते हैं तो पहले विष्णु का नाम लेते हैं, कृष्ण आते हैं तो पहले विष्णु का ही नाम, लोग क्या बोलते हैं कि ये विष्णु के अवतार है महाराज। ये राम कौन है? विष्णु के अवतार। विष्णु है, राम गायब हो रहे, कहां चले गए पता नहीं। क्यों? तत्व मैथुनम यथा पुण्यम, राजा रानी की औलाद है राम, दशरथ और कौशल्या के संयोग से राम का प्राकट्य हुआ, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा राम ऐसी दुनिया में आए जहां उन्हें सब नहीं मानते, कृष्ण को सब नहीं मानते। देख लो इस कृष्ण की दुनिया में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, क्यों? अमैथुनी दुनिया में आएंगे तो सब मानेंगे, सारे सब मजहब सब धर्म उस अमैथुने प्रभु को मानते, सब सब कहते हैं वो एक ही है। राम को सब नहीं मानते, क्यों? क्योंकि राम
नर नारी के संयोग से निमित्त से सृष्टि में अवतार लाए थे, इसीलिए मरण धर्म जन्म धर्म सब धर्मों का पालन राम और कृष्ण करते हैं, तो फिर हम कहां जाएंगे। इसीलिए प्रयत्न करो। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं सृष्टि का निर्माण की कथा चल रही है, इस निर्माण में सृष्टि में सबसे पहले भगवान आदिशक्ति निर्ब्रह्म परमात्मा ओंकार से विष्णु का, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का, इस नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, उस नाभि में कमल का फूल सर्जित था। कहां पर? क्षीर सागरम तटमूल व्याधि व्यापकम नारायणम यथा। प्रलय के बाद भगवान नारायण क्षीर सागर में चले गए सोने के लिए, सोते सोते भगवान की नाभि से कमल का फूल पैदा हो गया, उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सो गए नारायण प्रलय के बाद। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक भगवान एक क्षण के लिए भी विश्राम करने वाले नहीं, इसीलिए उनकी महान जय जयकार है। इस दुनिया में वाला अगर 10 मिनट भी सो गया तो यह दुनिया रहने वाली नहीं है। हाँ, फिर भी देखो मंदिरों में सुला देते भगवान को जबरदस्ती। न न न न, हमने कहा ये कौन सी रीत जगाने वाली से सुला रहे। अब बताओ सोने के लिए घंटी होती है कि जगने के लिए? जगने के लिए। न न न न न, कमाल हो ना, भगवान को सुलाने का तरीका बहुत खराब है। बच्चा रो रहा हो तो लोग बोलते हैं आवाज मत करो बच्चा सो जाएगा, शोर मत मचाओ बच्चा सो जाएगा। अरे तुम बोलते रहेंगे तो बच्चा नहीं सोएगा। और यहाँ पे भगतानी खुद टन न न, अरे बच्चे को भगवान को झपकी आ रही है, तुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सोने दे, तेरी बचर बचर से ही भगवान दिन भर जागे, अब रात में तो आराम करने दे। नहीं, पहुंच गई 9 बजे, टन न न न। भगवान ने सोच लिया यहाँ पे तो रात में दिन में टन न न होती है, इसीलिए यहां से भागने में फायदा है। इसीलिए भगवान निकल गया तुम्हारा टन न न में से और वहां जाके घुस गया जहां पे टन न न नहीं होती है। कहां पे टन न नहीं होती है बता? इसीलिए जगाने के लिए अलार्म हमने मोबाइलों में देखा है, पर सोने का अलार्म आज तक देखा नहीं। जगने का तो देखा है पर सोने का अलार्म मंदिरों में ही देखा है खाली। मैं आपको विधि बताना चाहता हूं, क्योंकि ये घंटी घंटा है ना, ये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, ये पांडित्य प्रमाण है बस, इनका कोई शास्त्र नहीं है। अगर इनका शास्त्र होता तो मस्जिद में भी घंटी होती, गुर्जा घर में भी घंटी होती, गुरुद्वारे में भी घंटी होती, सब जगह होती घंटी, पर इनका शास्त्र नहीं है। ये हमारी खुद की सभ्यता है, अपनी अपनी, हम इसके विरोध में नहीं है। पर शास्त्र कहता है अगर तुम्हें भगवान को सुलाना है, जगाना है, खिलाना है, अपन भगवान को उसी रूप में मानते हैं शरीर के रूप में, तो फिर आप अपनी तरह गति क्यों नहीं करते महाराज? जैसे आपको शोर में नींद नहीं आती है वैसे भगवान को भी शोर में नींद आने वाली नहीं है। तो आपकी सभ्यता ठीक नहीं है। फिर आप जब सोने जाते हैं तो टीवी बीवी सब बंद कर देते, और भगवान को सुलाने जाते तो सोए हुए को काम करते। क्या है ये सब गड़बड़ है। इसीलिए क्या करना चाहिए? शांत मौन होकर भगवान के सामने 1 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। मौन होकर नेत्र बंद करके शांत, पैर ना हिले, हाथ ना हिले, नेत्र ना हिले, पलक ना चले, कुछ ना हिले, प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। और प्रभु को कहना चाहिए प्रभु यज्जाग्रतो दूरम दैति दैवम तदसुप्तस्य तथैव इति देव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मैं अपने मन से संकल्प करता हूं कि आपके विश्राम में मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, अब आप विश्राम कीजिए। ओम शांति शांति शांति। लंबा ओम बोलेंगे तो भगवान जी अपने आप ही विश्राम में चले जाएंगे, पर तुम्हारा ओम लंबा है ही नहीं।
प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। तत्व दर्शनम प्रकृति भूतम कस्य अहम आगम रूपम। अरे मैं कहां आ गया, ये कौन सी जगह है? ब्रह्मा जी को मालूम नहीं कि वो आए कहां। दस दिशाओं में ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे हैं, पर उन्हें कोई अता पता नहीं मिल रहा है दुनिया का। देख लो, ब्रह्मा जैसा आदमी संसार में आके लापता हो गया, उसे पता ही नहीं मैं आया कहां। इतना है घनघोर अंधेरा संसार में। इसीलिए एक छोटा सा भजन और याद आ गया है, उसे भी सुनते कथा में प्रवेश के लिए। बहन बन में कहीं खो न जाना। ब्रह्मा जी खो गए तो फिर हम कैसे न खोएं। तदमेद भक्ताना ये चेतनता का असर है। अंदर समाया हुआ राम जब दिखेगा तब यह असर दिखता है। जड़ बुद्धि से जड़ देवताओं का ही दर्शन होगा, पर ब्रह्म आनंद स्वरूप राम चाहिए तो चेतन बनो। आज ब्रह्मा जी नारायण से सवाल करते हैं तो नारायण ने कहा तपस्वं वेद भूतानां देवा तपन सत्यताम। हे ब्रह्मा जी तप करो, और जब तप करोगे तब विकास होगा तुम्हारी आत्मा और बुद्धि का। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। तप करने से बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा विद्यावान बनती है। ब्रह्मा जी ने तप नहीं किया था, इसलिए दुनिया को देख के घबरा गए और डूब गए फिर से सागर में। जो तप नहीं करते वही भव सागर में डूबते हैं हमारे। नारायण ने उपदेश दे दिया तप, और हम और आप सबको भगवान ने तप करने का उपदेश दिया हुआ है गर्भ से ही। गर्भ का मतलब ही है भव सागर में डूब जाना, यानी गर्भ में जाना। और अभी आधा घंटा पहले ही मैंने कहा भगवान ने उद्देश्य बताकर भेजा है हमें दुनिया में, जाओ और मेरे काम करो समाज के। ये दुनिया भगवान की है, यहां पर आकर जो सेवा है वो भी भगवान की है। बच्चे पालो पोसो, नौकरी करो, व्यापार करो, सब भगवान के लिए कर रहे हो। इस तरह की भावना बनाने में कोई हानि नहीं है, फल तुम्हारा ही है। केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, उसके आदेश का पालन। इस तरह का बड़म्पन भगवान को देते रहोगे तो कभी भी दलदल में नहीं फंसोगे। इसका प्रमाण महाभारत है। अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मार दिया धनुष बाण से, ऐसे ऐसे बाण चलाए कि एक ही बाण में लाखों लाखों लोग जल के भस्म हो जाते थे। एक आदमी को मारने की तो बात छोड़िए, एक छोटे से जीव को मारना भी पाप है। फिर व्यक्ति को मारना, दादाजी को मारना, मामा जी को मारना कहां का पुण्य होगा। पर अर्जुन पापी नहीं रहा। क्यों? अर्जुन ने कह दिया कि मैं तो कठपुतली हूं, जैसे नाच रहा नचा रहा है वैसे नाच रहा हूं। मैंने तो ना बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्यपाट, पर भगवान ने मुझे कहा। इसीलिए मां के पेट में हम किसी को भी युद्ध नहीं करना रहता है धन दौलत के लिए। हम तो कहते हैं हमें मुक्त कर दे बस, हमें नहीं चाहिए नौकरी पैसा व्यापार। पर दुनिया में जब बड़े होने लगते हैं तो सब चाहिए। फिर छोटे बच्चे को देख लो, पालने में आप कितनी भी गड्डियां पटक दो, गड्डियां नोटों की, बच्चे के अगल में बगल में, बच्चे को जब भी पेशाब आएगा वो पेशाब कर देगा नोटों की गड्डी पर। क्यों? वो जानता ही नहीं है नोट को। धीरे धीरे संगति में मम्मी पापा के साथ बड़ा होता है, पैसों को जानने लग जाता है, फिर माया में पड़ता है, लालच में पड़ता है, फिर पढ़ने में पड़ता है, फिर नौकरी ढूंढता है, फिर वो नोटों की ही लीला करता रहता है मृत्यु पर्यंत। ब्रह्मा जी मेरी और तुम्हारी तरह ही थे, पर ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक तप किया,
उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को तीन मस्तिष्क और मिले, चार मुख हो गए उनके। एक ही मुख होता है मनुष्य जाति में, पर विद्या से वो चतुर्मुखी हो जाता है। चतुर्मुखी माने वो चतुर हो जाता है, विद्यामुखी। और विद्या में जो चतुर्मुख है अर्थात चार वेद है ना, वो सब हमारी बुद्धि में आ जाते हैं, इसीलिए हम चतुर्वर्णांग हो जाते हैं। ब्राह्मण भी हम, क्षत्रिय भी हम ही हो जाते हैं तप से, वैश्य भी हम हो जाते हैं और ओरिजिनल शूद्र भी हम ही हो जाते हैं। प्लेट में लेकर के मम्मी पापा को गरम गरम चाय जो पिलाते हैं ना दिन में पांच बार, वो शूद्र होते हैं। कौन होते हैं वो? शूद्र। हाँ, अनृतम सेवा महे, अंतिम श्वास तक जो कभी सेवा न छोड़े उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र माने ये नहीं जो तुम्हारे समाज में पाखंड चल रहा है, फलानी जाति ढिकानी जाति। शूद्र माने सेवा करने वाला, निरंतर जो सेवा में लगा हुआ है। शूद्रो प्रतिजायते, और समाज में भी शूद्र उसी को माना है, सेवा करने वाले को। पहले लोग कपड़े धोते थे, कोई बाल काटता था, कोई झाड़ू मारता था, कोई साफ करता था शौचालय, तो लोग उनको छोटे छोटे करके शूद्र शूद्र करके, और वो थे कौन? सेवक, सेवक। और रामायण क्या कहती है जरा सुन लो, फिर बाद में बात करेंगे। सबसे कठिन है सेवक धर्मा। मम्मी बनना कठिन नहीं है, पापा बनना कठिन नहीं है, साहब बनना कठिन नहीं है, ब्राह्मण बनना कठिन नहीं है, पर सेवक बनना इतना कठिन है कि सूर्य चंद्रमा भी सेवक नहीं बन पाए। सेवक बनना बहुत कठिन है, कोई कर ही नहीं सकता सेवा। और नौ प्रकार की भक्ति रामायण में है, उसमें से एक भक्ति सेवा भी है। दास्यामि तद सेवामृतम्। स्वामी बनना कठिन नहीं है, दास बनना कठिन है, सुनाना कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। उंगली करना कठिन नहीं है, पर उंगली को सहन करना कठिन है। आदमी तिल मिला जाता है, आप किसी की तरफ करके देख लो, फड़फड़ा जाएगा, घबरा जाएगा वो। रिएक्शन एक्शन, हो सकता है पत्थर भी मार दे खोपड़ी पे। सहन करना कठिन है, गाली देना सरल है पर सुनना कठिन है। इसलिए मालिक बनना कठिन नहीं है, सेवक बनना कठिन है। कौन है सेवक? तत् ब्राह्मणम यथा रामाय अनुजो सेवका। सीता सेवक नहीं बन पाई राम की, लक्ष्मण सेवक बन गया। पत्नी सेवा नहीं कर पाई राम की, लक्ष्मण सेवक बन गए। इसीलिए भगवान ने सीता का डेमोशन कर दिया है, रुक्मिणी बना दिया उसको द्वापुर में, रुक्मिणी, और भगा के लाना पड़ा, इतना डेमोशन कर दिया उसका। और लक्ष्मण का प्रमोशन कर दिया द्वापुर में, वो राम कृष्ण बन के आए छोटे भैया, और लक्ष्मण को बड़ा भैया बलराम बना दिया। तो सेवक बनने से ही आदमी बड़ा बनता है, साथ में रहने से मजा लूटने से कोई बड़ा होता है? देख लो भाई, सत्यम प्रियता गतेन मूलम। सीता कांटों पे नहीं चली है वनवास में, लक्ष्मण कांटों पे चले हैं, क्योंकि बन जाते समय राम जी की बराबर सम्मान सीता को लक्ष्मण देते ना, इसीलिए जंगल के रास्ते पगडंडियां। पगडंडी का मतलब होता है पग, एक डंडी, एक पग रखने जैसी जगह को पगडंडी बोलते हैं। कैसी परिभाषा है ये पगडंडी, इसका शुद्धिकरण करो, पगडंडी, पग, पगडंडी को पगडंडी बोलना चाहिए, पग। एक ही पग रखा जाए उस मार्ग को पगडंडी बोलते हैं, और उसमें पग हो गए छह, दो राम के, दो सीता के, दो लक्ष्मण के। अब लक्ष्मण रखे कहां, जगह एक की है। राम जी आगे है तो सीता को प्रॉब्लम आया, फिर राम जी ने सीता को आगे लिया। यही शास्त्र कहता है, युद्ध के मैदान में, जंगल के मार्ग में, हमेशा ही पत्नी को आगे रखना चाहिए पति को, पति पीछे पत्नी,
जीवन में कभी भी बस की यात्रा करें तो पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए, बाद में पति को चढ़ना चाहिए। इसको यात्रा कहते हैं, जीवन यात्रा। भोजन करते समय पत्नी को कहां रखना चाहिए, तो कहा बाहीं, लेफ्ट में। और युद्ध करते समय राइट में, युद्ध करते समय पीछे, और होटल में फाइव स्टार भोजन के समय आगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण कह रही है, महाभारत कह रहा है। युद्ध के लिए स्त्री को पीछे, अर्थात स्त्री के लिए ही राम और रावण का युद्ध हुआ है ना। राम जी ने कुर्बान होकर सीता की रक्षा की है ना। ये पति का धर्म है, पति का मतलब ये है पालन करने वाला। चार जगह बताइए पति की और स्त्री की। विवाह के समय ये जब सप्तपदी होती है ना, तब ये उपदेश होता है। जब पाठ बदले जाते हैं फेरे लेकर, तब ब्राह्मण जो है मंत्र बोलकर उपदेश करता है और उन्हें दृष्टा मार्गदर्शन करवाता है, भाई आज के बाद में भाई पति तेरा ये धर्म है, भोजन के समय बाईं अंग बिठाना। कारण भोजन परोसना पड़ता है स्त्री को पति को बार बार, बाईं अंग बिठाएंगे तो ही परोसेगी। क्यों? राइट से तो वो खाता है, और जब वो राइट में खाएगा तो इधर से आने दो कटोरी में रबड़ी, आओ इधर ही बैठ जाएगी, इधर से रबड़ी आएगी तो टक्कर हो जाएगी हाथ में और चमचे में। और बेहताम धार प्रभान मूलम, पति भोजन करने बैठे तो पति के लिए आदेश किया है रामायण ने कि थोड़ा पंखा हिलाना चाहिए। पति भोजन करने बैठे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पंखा, हाँ पंखा हिलाना चाहिए। पर भला करे कोयला का कि उसमें से अग्नि पैदा हो गई, बिजली आ गई घर तक, नहीं तो आधे पति मर जाते भूखे, पंखा हिलता नहीं और भोजन जाता नहीं फिर। चलो मैं सबका हिला रहा हूं, पति पत्नी दोनों का ही हाथ हिला रहा मैं, रखता हूं कोई ना करे उसे गुरु कर देता, क्योंकि गुरु है ही इसीलिए महान। छोटे बच्चे से लेके दादाजी तक के सारे काम गुरु कर सकता। सर्वेषाम पुण्यो यथान भूतम, अरे तुम्हारा कोई नहीं है, हम है ना, इतना भर गुरु जी कह दे तो भी जीवन बच जाता है, और ये गुरु का ही धर्म है। इसीलिए न जाति न खून न रिश्ता, फिर भी सबसे ज्यादा प्यार गुरु से हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें ये भावनाएं समाई हैं, कहां का गुरु, कहां पैदा हुआ गुरु, कहां हम पैदा हुए, फिर भी दुनिया भर का प्यार गुरु से हो गया। क्योंकि जो हमारे साथ पैदा हुए हैं उनमें भावना ज्यादा होती नहीं है, वो क्या है, मैं बहुत सुनाना चाहता हूं आपको, पर कथा बहुत ज्यादा बाकी है, और उधर सब क्रीम पाउडर उतरा जा रहा है हमारे उनका झांकी वालों का, चलने दू कथा। तदमूल भक्तान ब्रह्मा प्रमाणम, आज ही ज्यादा सरस्वती प्रकट हुई है, कल मुझे टोच दिया राजू ने, हमने कहा बेटे उंगली मत करे, फिर हम चालू हो जाएंगे तो ब्रेक नहीं लगता। अधिष्ठितम तत्वमेधानाम, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा लक्ष्य बताइए प्रभु, भगवान नारायण ने लक्ष्य बताया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा, तो कहा जाओ प्रकृति का पुनरुत्थान करो, प्रकृति को पुनः रचना है और ये रचना ब्रह्मा जी आपको करनी है, और हम आपको भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या ये काम मैं कर पाऊंगा, तो कहा जाओ कर पाओगे, कैसे? तपस्वदान योग मूलम, योग करो तप करो, योग और तप के प्रभाव से व्यक्ति दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी मंगल बुध अरुंधति ध्रुव, दुनिया के किसी भी ग्रह पर मनुष्य को जाने का अधिकार है, पर उसे अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी दूरियां माप सकते हैं। चंद्रमा पर कोई और नहीं जाएगा, जब भी जाएगा मानव ही जाएगा,
सारा भूमंडल तेरे कब्जे में है ब्रह्मा। मनुष्य फिर तू गरीब कैसे खुद को मानता है, फिर दुखी कैसे है तू? ब्रह्मा तू ही, विष्णु तू ही, शिव तू ही, सारे रूप तुझ में समाये हैं, पर प्रपंच माया अज्ञान अंधविश्वास की वजह से तू रूपों को कहां से पहचानेगा जब तू खुद को ही भूल गया है? हाँ? अपने में खो जाओ, अपने में लौट के आ जाओ, सारे रूप दिखेंगे तुमको। याद रख, सूक्ष्म दृष्टि से देखो सब दिखता है, इन आंखों को फाड़ फाड़ के देखेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फार्मूला मेरे पास में, दुनिया के किसी भी टेलर को देख लेना, जब वो धागा डालता है सुई में तो एक आंख को मिचका लेता है, एक ही आंख से धागा डाले, दोनों आंखों से धागा कोई डाल सकता नहीं है। और बिल्कुल छाती के बीच में अगर गोली मारनी हो तो भी दोनों आंखों से निशाना नहीं लगेगा, और किसी का फोटो अगर बहुत जोरदार खींचना हो तो दोनों आंखें वहां भी काम करती नहीं है। एक आंख से फोटो, बढ़िया बोलिए ना, कैमरे से कैसे फोटो खींचते? आइडिया बताऊंगा, तीर चलाने वालों को एक आंख बंद करके तीर चलाते, बंदूक का निशाना लगाने वाले भी, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है अधिष्ठितम ब्रह्म दृष्टि नाम योग दृष्टि समाहिता मूल दृष्टि मेवा नाम दृष्टि योग समाहिता। एक दृष्टि भगवान की जैसे है, वैसी जब तुम्हारी एक दृष्टि हो जाएगी तो तुम्हें फिर पीपल में, तुलसी में और फिर बबूल में भी भगवान नजर आ जाएगा। तुम्हारी दो दृष्टि है इसलिए तुलसी बड़ी